लोग राम 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 भाई साहब, मैं राम राम भाई साहब। हाँ भाई, आज एक बात बता, पूछ या सारी दुनिया भाई मुंह बड़े बाट के खलाक रेत रखा ना। अच्छा आज तू बता भाई, आज के सुनवाओगा भाई? आज इन लोगों को सुनाएंगे हम हास्य नाटक। हास्य नाटक चटपटा भाई, हंसी मजाक से भरपूर। नाटक का नाम के जवाई, नाटक का नाम पूछा है? हाँ, नाटक का नाम है वीर का गुलाम। ओहो, वीर का गुलाम भाई, ठीक भाई। हाँ। हमने भी अपनी और बड़ी जिंदगी होली है भाई, हमने के तो वीर का गुलाम सुना, सर के ईट का गुलाम सुना। सुना दे भाई। भाई हमेशा है किसा भाई, ऐसा घर तो बसाना है। हाँ। तो भाई वीर की तो गुलामी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक बात है भाई, अरना तो भाई घर बिगड़े 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 बिगड़े। ठीक तो भाई नू और बता दे भाई, लगे अच्छा है इस कैसेट के है कलाकार कौन कौन सर भाई, संगीत प्रसाद कौन कौन दे रहे से? सुन ले भाई, इस कैसेट के जो कलाकार हैं, सजनों को भी बता देता हूँ, सुनने वालों को। हाँ भाई, अब तेरे को भी बता देता हूँ। बता दे भाई। भाई इस कैसेट के कलाकार हैं अशोक कुंडू, मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार है भाई अशोक कुमार कुंडू। हाँ भाई, भाई वाह। और भाई एक बात है। हाँ। अपनी बात याद रखिए अशोक। हाँ। बहन कुंडुआ ने भी। हाँ। याने में भाई नू देख ले तो मैं तू मचा रहा कीजे। और भाई एक और कलाकार इसी चीज ले हमसे बुराना के तकेला शिवर मागरम। हाँ। लड़ला पूत खावा जूत बिराना भाई के तके ऊट पटांग सोता ले कीजे भाई। अरे एक और नंबर ना रिकाड़ा के भाई गचकू गट की रामलीला। अरे पेशकस है भाई वीर का गुलाम की। वीर का गुलाम की। हाँ। तो कलाकार बताइए भाई। भाई अशोक कुंडू। अशोक कुंडू। हाँ। अच्छा। और भाई उसकी गेला छोरी काम करना ली कौन भाई? दो। ओहो एक ना दो हो, एक छोरे के लिए दो छोरी। दो छोरी तेरा भला हो जाए। नो पूछ कौन कौन सी? कौन कौन सी भाई? सुमन शर्मा। सुमन शर्मा और ज्योति गोयल। गोयल। हाँ गोयल शर्मा सब के मैं गेला है घुसड़ रखा है। और गेला एक और कलाकार हूँ चोटी का भाई, जिसका हरियाणा में रोड़ा रुका है। कौन भाई? श्याम लाल चटकारा। ठीक ठीक। और सुन भाई। सुना भाई। कलाकार ढेर लग गया पड़ा भाई। ढेर लग गया पड़ा भाई, जमा सब्जी मंडी बना रखी से। भाई ये साज पर कौन कौन साथ में भारी सा भाई बताइए। साज पर सुन ले भाई। सुनाइए भाई। पेटी के ऊपर। पेटी के ऊपर जो मीठे मीठे सुर लगा लाए। हाय हाय क्या बात है भाई, क्या बात। जखिंदास। जखिंदास। हर भाई ढोलक पे राजेंद्र कुमार उर्फ उर्फ लाला। लाला भाई छोरा भी लाला ही प्रकार। अच्छा भाई यू कड़कड़ कर लाग रहा भाई। नगारची। हाँ क्या बात है, मीठी मीठी सा। रोहतक का विजय कुमार। विजय कुमार मशहूर है भाई। मशहूर भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और एक और कलाकार भाई, यू एक और कच्चा सा सौदा बैठा है भाई, मुंह देख ले का कुत्ती चाट के जा रही हो। दीपक छोरा भाई। दीपक। हाँ दीपक राय। दीपक राय भाई वाह। ले भाई भोंड दे। भोंड दे भाई चालू। भाई रोए तने इतने बालक जान के घेर दिए, और तू कमाता ना दमाता ना, के बात से यार? देख ले मेरा मेरा कसूर सा बालक जामन में। और किसका से? तेरा भी कसूर से ना। कती गलत बात। बालक ये भूखे मरे से फिर मैं केकरू ने जोड़ में गेरा मींडक के छुए खा लेंगे। जाए रोए कमा के ना लिया, जाके कमा के लिया, दुनिया कमावा है तेरा क्या पछे ना हाथ लाग रहे से। वाह तो ठीक बात से। हाँ। पर मैंने कमा के सारे धंधे करके देख लिए, मैंने तो को धंधा फापदा है घुना। साइकिल की दुकान मन कर ली, नाईपने की दुकान मन कर ली, सिलाई की दुकान मन कर ली, हलवाई की मन कर ली, कढ़ाई की मन कर ली, और तो के बस कसाई पड़े का भी काम करके मन ने देख लिया, पर मेरा काम कोई सा नहीं चलिया। ईब करके देख, ईब तो एक के और ऊँट खरीद कर लिया होगा। और क्या तू ऊँट लिया होगा खरीद के? जा रहे कुछ तो कर ले। जब मैं अपने घर आऊंगी तो मैं 20-20 साबुन मर मर के नहाऊं मैं। तेरे तो आपका मैल चढ़ गया मेरे तो। साबुन? हाँ। साबुन तो नागर दी करा। और? अरे रान दे तेरे घर क्या ने साबुन तो ना और नाम दर दिया तेरा छिड़ा दली। इसी साबुन तो नहाना ही होंगी ना, भगवान आड़े तो साबुन से नहीं, आड़े तो मुल्तानी का डड़ा से
और यूरा खुर्रा अपने नाया करे मैल तारिया करे तने लाना पड़ेगा ईसा जाए रोया पल्ला पड़ गया कमाओ ना दवा बातें बातें मरा जी करे है कमा के ले जाके और जब तेरे बालक पड़ेंगे ना तेरे बालक नहीं पड़ते ये मेरे पे और दारू की केको होती अब दारू पी वैसे और रोज दारू पी का आ जाए अरे ये सारा काम पी लग रहा रे किसे तो सारा काम कमावा भी तो है कमा कर लिया ना किसे की लुगाई किसे तो कुछ ना गंदी जब तो कमांदा को नहीं जाए तो मैं तन्ना कहूँ ना तो मेरा क्या सर फिरा है तू तो मेरा पल्ले सी कनपाड़ी लगी से अब दारू छोड़ दे दारू छोड़ दे दारू रे ये दुनिया पी लग रही है गवर्नमेंट ने चला रखी है पीण खातिर चला रखी है अरे भाई रोए जब मैं तने पीण ना कद मना करूँ तो पी तो ले पर कमा के तो ले तने बेरा से बोली जिस दिन मैं बिना पिए सो जाऊं सू उससे दिन सवेरे कब्जी का विश्वास होया उठे और जिस दिन दो पैग ला के सो जाऊं सू सवेरे उठते के साथ नु ससुर का थ्री व्हीलर सा स्टार्ट हो जाए जाए रोए दुनिया कमा है कमा के लिया तू ही न्यू कोने घर बसा करे जरूर कमाना पड़ेगा हाँ जरूर कमाना पड़ेगा अच्छा तो मैं जाऊं सू किते अरे मैं क्या मने के मैं जरूर सोचूंगा काम धंधे की भाई घंटू राम राम अरे घंटू राम अरे राम राम भाई है कि नहीं भाभी श्रद्धांजलि हाँ मेरा भाई घंटू राम कित गया यो पड़ा के बात है ओके ये दूसरे थली से चली है एक थली रोज लिया और गट गट पी कर पड़ा रहा है नुए ओहो दारू पीने लग गया और के थली हाँ अरे घंटू राम भाई भाई न्यू क्यों करे घंटू राम हाँ आइए भाई आइए अरे के आया मेरे यार भाई न्यू क्यों कर पड़े तू भी चंद आया गया है भाई एक बात बता है भाई तू न्यू बता दिन रात या कनपाड़ी भाई मेरा आर रख जे या मेरी भाभी श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि है कमा गल्या अच्छा कमा गल्या कमा गल्या भाई मैं किसकी गोज काटू भाई भाई देख जो भगवान ने भाई मारे कर्म में टोटा दे रखा से है तो बता हमारे फायदे और रुपये कितना होंगे भाई भाई घंटू राम बात सुन ले देख भाभी की बात तो ठीक है भाई बालक चिड़क हो गए ईब कमाना तो पड़ेगा भाई तू दारू दूरू ना छोड़ दे थैली के पिया गया मेरे यार ये तो इंजेक्शन की दारू बने ना देखो बात सुन मेरी यो नहीं मानता कती भी कहना है तो रोज दारू पी हुआ है अच्छा। और सारे बाला भूखे मर गए और मैं तो कती दाप के दुखी होगी अच्छा और सुन एक यो ऊंट लेके बांध दिया बाहर आ गए मैं कितना खुआऊ इन बालका ने कितना ही सूट न खुआऊ ऊंट ला दिया हाँ यो ऊंट ला दिया बता क्या मैंने इसके पाव बढ़वाने थे भाभी ऊंट लिया ना अच्छा यो भी कुछ ना कुछ ठीक का समझ गया होगा ऊँट ने पूछूंगा मैं क्यों लाया भाई ठीक समझ गया नो बता तू है भाई ऊँट में गलत लिया भाई ऊँट लिया तू ऊँट लिया क्या खतर लिया भाई और जब यह कहने लग रही तो भाई कहनी पड़ेगी ना मन्ने भी हाँ ऊँट लिया है बता भाई है। कितना बढ़िया सौदा से भाई भाई इसमें पंचर होगा बहना अवाली खोड़गा बहना परे खिसके टेकना ठीक भाई वो क्यों आग रहे वो जिस तरह से गठा बधा कर गेर बक्सा गेर भाई गेर इसका नहीं भाई अरे तो सीधा शादा भाई कमाई का साधन से अरे कुछ भी धंधा नहीं पाओगा ना दो बैंगना की बोरी गेरी रेड में और गांव में बिड़ गया भाई ले लो दाने के बराबर ठीक साध ना भाई 200 रुपए डैडी फुल डैडी फुल पर भाई इसका पेटा नहीं भर रहा भाई क्यों कर भरा पेटा वो 200 रुपए कमा के लिया उनके सारे आके दारू पी जा कुछ वे लुंगाड़े तेरे यार दोस्त आ जाए और कुछ तू पी जा भाभी मेरी बात सुन यार दोस्त कौन सब यू एक के सब मेरा के मेरा कौन कौन आवा हम तो जान देंगे सारे काम नहीं ठा लिया हर पे आया हुआ है भाभी मेरी बात सुन मेरा भाई ऊंट लिया आया हां देख ऊंट बरगी घर की सवारी नहीं होती देख एक बात तो है यार हां वा तो तेरी बात ठीक है अरे ऊंट जै इसका पसंद आ रहा है तो भाई ऊंट के बारे में के सुनाना चाहवा इब तू भाई कहना चाहवा है ऊंट के बारे में हां बता मेरी भाभी नर मन ने भाई ले सुन ले के सुनाना हां ले सुना भाई सुन ले भाई मेरी बात सुन सुना आज मने मिली एर चीज जोर की आज मने मिली चीज जोर की आज मने मिली चीज जोर की एरे ऊंट पचड़ के चलूंगा या बात बोर की रे 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 आज मने बात बोर की रे 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 आज मने मिली चीज जोर की आज मने मिली चीज जोर की
है भगवान, तू ऊंट ने भी शराब है। वही ऊंट की सवारी मन ने तो देख पसंद नहीं। देख मेरी बात सुन। हाँ सुना। ऊंट पर की तो सवारी नहीं होती। तन्ने प्यारी लग गए। प्यारी लग गए खाना। तू ऊंट है तो ना ऊंट पर की प्यारी लग गई। नू पूछ ऊंट के फायदे के हैं। हाँ सुना। देख सब तो ऊंची सवारी और कितने चला ले उसने। पागलिया बात नहीं सुनी तने। कितना लंबा उतना बेकू। आए हाय, अरे या तो उल्टी का भावत बने है ना भगवान। देख सब तो राम भी ऊंची सवारी पंचरिस में हुआ ना ट्यूब इसकी पट्टे ना चाहे कितने पहाड़ मचला ले चाहे रेत मचला ले कितने नहीं अटका के कहने लगे आप बहुत अच्छे। मैं खटकला गिरी लंबी इसकी चाल से कारजे में खटकला गिरी लंबी इसकी चाल से ऊंट के ऊपर चढ़िया पीछे जिया मेरा निहाल से सारे पूजे हो जा जब लगे इसकी हाल से सारे पूरे हो जा जब लगे इसकी हाल से। हाय रजनू गर्दन मोर की, हाय रजनू गर्दन मोर की, मेरा ऊंट के ऊपर चढ़िया पाचया बात बोर की रे 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 रे। आए आज मने चीज जोर की, आज मने मिली चीज जोर की। अरे भगवान कोई नू पूछ लेने अके सवारी ले रहा भाई तो दिखे चोरी छाती कर कनू का सूट ले रहूं भाई। और तेरे आई सू सदा बोली तने झूठ जितनी भी पड़ोसन से सारी रही आनंद लूट मन पुटे भगायाला मिला से आकती झूठ मन पुटे भगायाला मिला कतिया से झूठ। आए तू मत कर बात सोहर की, ओ बड़े तू मत कर बात सोहर की। अच्छा तेरा पसंद नहीं आई सवारी है ना। मेरे पसंद कटिए नहीं आई है भगवान। हाँ मैं देख कितना अच्छा काम कर लूं तन्ने नहीं सराना मैं कदे भी। नुआ के काम करेगा सराऊंगी पागल। नुआ भी सराया जाए चाहे कितना बढ़िया काम कर बीज मिटने इसने कित बाड़ेगा तू उठने है छोटी छोटी तो ये कोठड़ी लेकर खड़ा कर दिया इतना और बड़ा सौदा। एक बार बताऊं। हाँ सुना। जब घर में नहीं आना इसके पाँव काट के पावे बढ़ा दूंगा। एक तो फायदा ही हो और घर की गर्मा आ जाएगा। अच्छा घर का फायदा देखा है। और क्या कहने लगा। सच्ची साच सच्ची साच कह रहा सु तू इसकी तरफ कर ले ध्यान। सच्ची साच सच्ची साच कह रहा सु तू इसकी तरफ कर ले ध्यान। सफर के मकाम आवा मारे ना कस है भगवान। इतना अच्छा काम कर लूं मन को ने मेरा शान। इतना अच्छा काम कर लूं मन को ने मेरा शान। आए रस तू कड़वे त्योर की, आए रस तू कड़वे त्योर की, तेरा ऊंट के ऊपर चढ़िया पछे काज बोर की रे 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 रे। आए रमने चीज जोर की, आज मने मिली चीज जोर की। बोर की रे 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 रे, आज मने मिली चीज चोर।
बात और की रे 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 आज मने मिली चीज चोर की आज मने मिली चीज चोर की। अब अभिषेक अंदरी देवर बोले मेरा भाई ने ऊंट की कितनी तारीफ करी है, जब इसका पसंद आ रहा है ना। अच्छा तो तू लान देने तन्ने के जरूरत है, अपना घराम मोज ले रोटी खा। अरे बंटू पसंद का गलत आ रहा है मेरे, बहुत काम का सौदा जम रहा है। लेकिन इन्हें के बात बताई है घर की तो सवारी। अच्छा और कोई बूझे ना अब क्या सवारी अब ऊंट की। अरे ऊंट पूरी बात तने भी नहीं बतानी आंदी। हाँ यू तो पुराने कक्षा में हिस्ट्री उठा के देखा ना, तो इसने मुरथड़ का जहाज का मजे भाई बहुत बढ़िया सवारी से जहाज लाया। पर मेरी खातिर में यही कहानी नहीं पटा कर दे। बाजू एक बात बता, तू भी मेरे मन ईसा लग गया, तू तेरी भाभी की ओढ़ लग गया हमने इसकी ओड़ की कहो से। घंटू राम मेरी सुन ले तू भाई, और दूसरे के घर आगे जी से लेना अंडा भाई, तू अपने घर की भी बात बता ले भाई। तो मैं बताने ला रहा हूँ, तू सुनता तो कोने मेरी। सुना भाई सुना, ये बात तेरी भाभी है ना वाइस तभी ले। अरे यू के कई लगा लिए कर ला गया। हाँ भाई ये मेरी बहू भी तेरी भाभी है और तेरी बहू भी मेरी भाभी। यू आइया के भाई भाभी एक ने बना ले भाई, चाहे तो तू बड़ा बन ले और चाहे मन ने बना ले भाई। जो करता जी कर। अच्छा घंटू राव या तेरे जब दोनों बने रहे तो तुमने क्या दिक्कत हो रही है? जब दोनों बने रहे तो तुमने क्या दिक्कत हो रही है? तो मोड़ जी जावांगे। ओ भाई घंटू राम भाई दे भाभी नु करिए जिक्र भी इसका जिक्र न कर ले। चलो भाई या तो देवर बनाओगे मैंने, मैं तो देवर बन लिया भाई इसका। चलो भाई ठीक से ठीक से देवर। अच्छा देख भाई घंटू राम भाई प्यार प्रेम तरह आखरो और झगड़ेबाजी मत करा करो भाभी। शरा अनिल सुन ले तू भी। हां सुन ली सारी अनिश का लठ दिए रखे तू भाई। जो देवर तो अच्छे तरह समझा के जाइए बस समझा दिया। यो वीर तू समझ गए प्यार तरह आ गए दोनों वीर मन। अच्छा भाई और मैं चलूं। मैं इस दिन रात उखरा अग्नि याद कर रहा हूं मैं। हां एक पंडित जी मांगे राम की रागनी सा भाई। अच्छा आके भाई वीर मृत का प्यार बना रहे ने। आहा और तो भाई जक्का झोल रहे जा स्वर्ग है ना मेरे यार घर। उम्र पुरानी तेरे बिना जी डामा डोल रहे जा से भाई। मैं दिन रात यार अग्नि सुनाए जाऊं सुस ते। वाह और भाई इसका कल ही लाग दी मनु घुसरे बोली। दो दिन की जिंदगी से तेरी भी फूक सी लिखड़ जाओगी और मेरी भी लिखड़ जाएगी। मेरी भी लिखड़ जाओगी। दो दिन जीना से बोली अपने प्रेम दे जी ने पर भाई या नहीं मान दी भाई। अब भाभी है भाभी की नहीं सारी लुगाई सी हुआ मेरे यार। अच्छा लुगाई सारी सी हुआ है घंटू राम ठीक। और नू करो भाई देख प्यार तेरे आगरो भाभी तू भी सुन ले और मैं भी चलूं। अच्छा भाई मटकू सिंह चलूं मैं। अरे घंटू राम हां मैं चलूं भाई और चाचू गणवाजू तेरी भाभी देख मेरे ऊपर भी गरम पाओगी जागे तेरी बहू। तेरी बहू की के कहो था भाई तू? इनकी बात बताऊंगी बेटा तुमने मैं इन बंटूर की। बंटू की बंटू की बहू। हां अच्छा के बताओगी? इसकी बहू का नाम बेरा बेटा के है के कट्टो कट्टो। नांदे भीतर कांड ला रहा ठीक कब काटो चाय चुए कुछ पिलाओ मने। वह बोली अब लाई कंधे चाकी। वह बोली अच्छा बना रही हूँ। यू बोला के बना रही है? मैं तो नाया हूँ यार लेटरिंग की दा फेरा रही है मेरे। अच्छा वह बोली नहा का है? वह पढ़ी लिखी फिर दे उल्टा जवाब दिया उसने चूल्हा को बैठ के। क्या कर रहा है अभी? दो रोटी खा के बाद में जाना तेरे को लेटरिंग। ठीक अच्छा भाई बंटू राम है? हाँ भाई भाई सुन ली था जाओ से फिर तू। हाँ भाई चलो ही मैं भाई घर काम होगा तन्ने भी काम होगा आम भी के मैं धंधा संभाल लिया भाई दार डोकी का टीम हो रहा से आम भी कर लिया भाई। देख भाई क्या समझा जा हूँ ठीक है। अरे भाभी लड़ाई झगड़ा मत करा करो दोनों प्यार से करो। अच्छा भाई घंटू राम भाई राम 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 राम। अच्छा देखे मेरी बात सुन ले तू पर होली जो लड़ाई होनी थी क्या सुनी जो होनी थी सारी बात होली से। अरे पागल की बच्ची सारे दूसरे आदमी तो इतना भेद दिया अगर इतने तो सारा भेद दे दिया। यू बंटू के लाओ से तू के सर तू इस आदमी से नून की नून सुन के मेरी सुन के तेरा अग और तेरी सुन के मेरा अग। अरे बोली तो दुनिया के गर्भ गुडवान दंड से चलो चलो ठीक से फिर इसकी बात तो मत ना चलिए। अच्छा हाँ बताइए आगे के लिए ठीक से फिर होली जो तेरे के सुनी होनी थी। हाँ ठीक से चाल भरी खटोले का निचाल ले और मेरा पांव दबा दे। हाँ आज तो आज चंगो ना आज तो एडी पंजे दबवा ले ले दबने पड़ेंगे भाई के करा ना ना चल दब। अच्छा हाँ दबने पड़ेंगे आज तो। अच्छा ले दबूंगा ले बस यह तेरी सजा है। ठीक से ये तो सजा के से ये तो मैंने रोज दबने पड़े थे।
अरे भगवान है, अरे भगवान है। हाँ बोले। अरे बोले के अरे कमा कान ना यार, घर भूख लग रही है, रोटी खा ले। भूख लग रही है? हाँ। फिर रोटी क्या की? रोटी क्या की? जब कमाओगा तो रोटी क्या की मिलेगी? अच्छा कमाऊंगा नहीं तो तू रोटी नहीं खा लेगी। जो क्या मतलब है? भैया ये मतलब है, बात सुन रहे? हाँ सुना। मैं सारे गांव की चिड़िया को ना, वो घंटू राम है मेरा दोस्त। ओहो। वो लुगाई का गुलाम अपने लुगाई के पाप बचा रहा हो। फिर के बात है? उसका कोने में लुगाई ने ठोकर पर रखा करू भाई। ना लुगाई ने ठोकर पर रखा तो कदर ना आएगा, घर में लक्ष्मी की कदर करनी चाहिए। ओ देखी ना तू लक्ष्मी और के तू रोटी खा ले। जाई सी लक्ष्मी ना दिखती, यूं भी पूरा भैरू नाच है। देखे मेरी सुन ले बात। हाँ के कमा के लिया जब रोटी मिलेगी। जब मिलेगी? हाँ जब रोटी मिलेगी कमा के लिया। बिना कमाए रोटी बावे कितना है, मुंडे घड़े खाली हो जाए बिना कमाए तो। कमा के लाऊं रिक्शा घर में, डक्का मार लूं। डक्का क्यों मार ले? नौकरी कर ले और रिक्शा चला ले। हाँ देखे वो तेरे दोस्त है ना? कौन सा? वो जो तेरे दोस्त आया करे, वो घंटू राम। हाँ घंटू राम है भाई। घंटू राम राम राम। ले भाई इस राम राम ने और लठ दे दिया। हाँ के ओ भाई साहब घंटू राम। तो मेरे बेटे इतना मारी राम राम में बुढ़ी लग लगी। भाई के करो ये इतनी भाभी है ना, समझाओ ना मेरे यार, मेरा लठ दे रखा है ना भाई। देख ले मेरा बेटा कितना ढीला मुंह छोड़ रहा है। अरे उस दिन तू मारे तो रगा रहे, हम न जानते सात्री फल इज्जत करी रहे, सेवा पानी करी, चाय दी बूझी ओके बूझी। मेरे बेटे तू क्या है नहीं बूझूंगा, पहले अपना दुख बता लग गया। दुख के बताने लग गया मेरे यार, या कहना ही नहीं मानती सारी आने झगड़ा रखे जाए मेरी भाई। समझावे नहीं ना कुछ बात तो तू ठीक कर ऐसे, और कुछ या ठीक करी से भाई। भाई देख मेरे जितना इस गांव में कोई ठल्ली रही आदमी ना था भाई। हाँ। सारे दिन ताश खेलिया करता, देख ले सुन ले, दारू पिया करता भाई। पर भाई हमने भी सुधरना पड़ा भाई, लोग आएगी मान गए। अच्छा भाई देख ऊँट रे डलिया वो तो तू घर देख के आया था। हाँ, भाई देख मर्द का फर्ज बना से भाई, कमाने का कमाने का भाई। भाभी ठीक करी से, कमाना जरूर पड़ेगा, जरूर जरूर पड़ेगा। ले दो भाई घंटू राम तो भी सुन ले, अरे भगवान तो भी सुन ले। हाँ सुना दे। ले जा इतना है मतलब कमान का बड़ा काम लगा रही है तू। हाँ। तो जा आज हम कमान चलते हैं। ठीक है कमा, कमा के ले आओगे भगवान। हाँ, बस कमा के ले तू। ठीक से तू एक काम कर, वो जो अपना किवाड़ नहीं है पुराना पड़ा है घर। हाँ, हाँ, पड़ा है वो फट्टा फट्टा बच रहा है अपने। हाँ, पड़ा है वो फट्टा लिया ठाक है दर्द ही फटेगा क्या करेगा देख फटेगा भैया कमाई दो भाई नहरी है छतरी भाई देख कमान की बात हो रही है स्क्रीन मेरी मैं चाहे क्यों करे कमा के ले आऊ कमा के लाऊंगा। ओहो भाभी ठीक था ये तो कमा के लिया होगा चाहे उस तक तब इसने मरे हुए कचड़े ढोगा ठीक भाई। हाँ भाई मर्द के 36 हुनर हो, 36 हुनर हो भाई, कोई किसे ढंग से कमा ले कोई किसे ढंग से कमा ले। ठीक भैया ये कहानी समझ में नहीं आई, तू फट्टा मंगावा हर फट्टे तक कमा के लिया होगा। ले चल तू कमा के लिया देखी जाएगी किसे तरिया लिया कमा दे भाभी वो फट्टा दे दे तू। हाँ ठीक से लिया ही हो फट्टा। हाँ लिया ला दे ठीक से। हाँ तो प्यारे श्रोताओं सभी सुनने वालों को बताया जाता है कि बंटू राम एक लेगा फुट्टा अच्छा बड़ा 6 फुट का और घाती के पास ला जाता है और उसके बीच में सुराख करवा लेता है, इतना बड़ा सुराख करवा लेता है कि जिसके अंदर से देखा छिद रह जाए और गांव से बाहर निकल लेता है और क्या कहता है के सुरक का सांग देखो लोगो क्या कहने लगा सुनिए। सांग देखियो भाई सांग रे चटपटा सांग कती बहुत बढ़िया। ओ भाई सांग वाले। हाँ भाई। भाई एक बात बता के तू गणिया डोली रुक के मारे लाग रहा सा भाई। हाँ के दिखाओगा भाई तू इसा सांग में मैं। हाँ सुरक का सांग जिसका छोरी नाचेंगी। अच्छा और भाई सारा हिंदुस्तान दिखेगा। अच्छा सारे एक्टर दिखेंगे सुरक का सांग। ईसा आज तक भाइयों तुमने सांग नहीं देखा होगा। ईसा सांग से। हाँ भाई एक बात बता बोल कै पीछा में दिखाओ सब भाई। अरे तू पीछा ही कह रहा है इसकी कोई कीमत है आगरा मेरे यार। कोई कीमत नहीं। हाँ और भाई उकड़ू बैठ जाइए। अच्छा तड़ा के काट दूंगा सांग ने। अरे मेरी बात सुन भाई फिर जरूर सुनागे तेरा सांग जम के बैठ गए ले सुना दे सांग ले सुन ले सुना दे भाई।
तेरा स्वर्ग देख लो सांग देख लो ठीक तेरा स्वर्ग देख लो सांग देख लो सारे मिलके आ छोरी तो ना चंगी छोरे देख सारे मिलके आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ अरे सांग अरे हाँ क्या करी है सब सांग दिखा है सांग हाँ सांग ही सांग दिखा देंगे जी सांग दे दूंगा तुमने अच्छा कितने पैसे लेगा पीछे हाँ जोत्रा जी माँ वो दे दिए अच्छा और सांग देख वो जरूर देखेंगे भाई वो भाई सांग दिखाइए हाँ भाई भाई ताऊ तभी दिखाइए सांग यू भी थर साबु ले बैठा जाए बहुत अच्छे और भाई गांव वाले हाँ भाई एक बात और सुन ले के भाई इस सांग में हाँ तेरे धर्मेंद्र अरे मामा नीता ही मिलवाऊंगा और मैं स्वर्ग में पड़ी ना चाहती हाँ मैं भी मिलवाऊंगा तेरे ठीक मिलवा दे भाई और सारा हिंदुस्तान घुमा दूंगा भाई बहुत अच्छे मेरे रे सांग में भाइयो धर्मेंद्र आवेगा मेरे रे सांग में भाइयो धर्मेंद्र आवेगा हेमा मालिनी की गेला गाना वो गावेगा गाना गावे नाच दिखावे अरे गाना गावे नाच दिखावे मटकू के सांग में आ छोरी तो नाचेंगी छोरे गावेंगे आ छोरी तो नाचेंगी छोरे गावेंगे आ स्वर्ग देख लो सांग देख लो अरे स्वर्ग देख लो सांग देख लो सारे मिलके आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ श्री देवी भी भाइयो नखरे दिखावेगी श्री देवी भी भाइयो नखरे दिखावेगी नखरे दिखा के जितेंद्र न पटावेगी नखरे दिखावे उसने पटावे अरे नखरे दिखावे उसने पटावे ताऊ के उठ के खा छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में ए स्वर्ग देख लो सांग देख लो ए स्वर्ग देख लो सांग देख लो सारे मिलके आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ दिल्ली बंबई ने देखो लखनऊ कलकत्ता देखो दिल्ली बंबई ने देखो लखनऊ कलकत्ता देखो शाहजहां का आगरा ताजमहल ने देखो हिंदुस्तान ने सारा देखो अरे हिंदुस्तान ने सारा देखो सांग जता उस सुराग के अंदर से रोड के बीच में दबा हुआ वो फट्टा सारे ट्रैफिक को जाम कर देता है और ट्रैफिक जाम होने के बावजूद जितने भी परिचालक होते हैं सभी परेशान होकर थाने में बंटू की रिपोर्ट देने जाते हैं और क्या होता है सुनिए आगे थानेदार साहब कौन है भाई अरे इतनी ऊंची आवाज में कौन है किससे पूछ का सर जी ऐसा है संतरी से पूछा था पहले स
संतरी से पूछा था क्या? नहीं जी, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, बोला बड़ा आदमी हूँ। अच्छा, फिर पागा जी, फिर क्या बात है? एक उड़ा चौक पे फट्टा गाड़ रखा पागल सा है? पागल सा है एक फट्टा पागल सा। क्या बोल रहे तू तेरे पैसे? मैं तो बहुत डर रहा हूँ, बहुत डर रहा हूँ। गना डर रहा है? कभी आया नहीं। डर मत, खुल के बोल, बता क्या तकलीफ है तेरे को? एक छोरा है। एक छोरा है? पागल सा है। एक के छोरा है? हाँ। अच्छा, और रोड के वहां फट्टा गाड़ रखा जी। गड्ढा गाड़ दे, फिर तेरे क्या सिर दर्दी? अरे सुरक्षा है फट्टे के माँ। अच्छा, उसमें से देखे है? अच्छा, इमनू नहीं दे पता के देखे है के नहीं। तेरे पास क्या ट्रैफिक है? तू इतना परेशान क्यों रही है? और इतना रोड, कितने आदमी खड़े, कोई नहीं आया मेरे पास रिपोर्ट लेके। और भी आ रहा है कोई? और भी है जी, डैडी वाले भी सुनो। बक्ता भी है जी? बक्ता भी है? हाँ। अभी रोड जाम कर रखे है साहब। रोड जाम कर रखे है? हाँ। तेरे पास क्या सवारी है? मेरा थोड़ा जी गद्दी है, रिंगण लाग रही है थानेदार साहब। कदी बैठा कदी उठा, इतना लोड गाल रखे रेडी। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जा। हाँ भाई, तेरे पास क्या सवारी है? मेरे पास? तू तो थ्री व्हीलर चलाता है पता है मेरे को। हाँ जी। तेरे पास भाई? मेरे पास रिक्शा है जी। एक रिक्शा? ठीक है ठीक है, तेरा भी साधन करेंगे। तू भाई, तू क्या सवारी ले रहे? ऊंट रेडी ले रहे हो जी? ऊंट रेडी। अच्छा, मैं सबका समाधान करता हूँ, मैं अपने सिपाहियों को बुलाता हूँ, और चलो उसको देखते। हाँ जी, चलो तुम अपनी अपनी जाके सवारियों को पकड़ो, जाके मैं उसको देखता हूँ। अभी थोड़ी आओ जी, थोड़ी आओ जी, जाम लग गया कती। क्या कती रोड पे? नामधारी सिपाही। यस, इधर आओ। चलो थानेदार साहब। भाई ऐसा है, कैसा है जी? एक रोड पे एक आदमी कोई फट्टा काट रहा है। अच्छा जी। और वो कोड्डा हो रहा है। अच्छा। और सारी दुनिया का फद्दू खींच रखा उसने। अच्छा। अब भाई पता नहीं क्या कहता है, क्या कहता है भाई? वो कोड्डा हो रहा है। कोड्डा हो रहा है, मैं सुरख का सांग दिखाऊंगा। सुरख का सांग दिखाऊंगा ये कह रहा है वो, फट्टे में मोरा करवा रहे। अच्छा। चलो उसको जाके देखते। चलो मैं भी साथ। तोले चलो जी, मैं भी साथ में। साहब इतना खाल तार दे, डंडे। अरे खाल तो मैं कोड्डा बना जाएंगे, दोबारा कोड्डा ही ना होगा। ठीक है चलो चलते हैं। चलो जी चलो, जल्दी तोले चलो जी। चलो चलो चलो। राम राम साहब। कौन है तू? मेरा नाम जी बंटू राम है। यही है जी। क्या बकवास है साहब? हाँ, यो है सुरख का सांग। साहब साहब मत कर, जिसमें सुरख का सांग दिखाता हूँ मैं लोगों को, और आपको भी दिखा सकता हूँ। सुरख का सांग? सुरख का सांग। ओहो, साहब ऐसा है, अगर आदमी के मरने के बाद में नरक और स्वर्ग दिखा रहे, आपने बिराई होगा साहब। भाई सारी दुनिया यही कहती है। मैं जिंदे जी आपने स्वर्ग दिखा सकता हूँ। ओहो, सुरख का सांग। तू तो भाई पूरा कलाकार है फिर। भाई फिर एक बार ऐसा करिश्मा है मेरे पास में जी, क्या कलाकार, इतना तगड़ा करिश्मा है। सुरख का सांग ऐसा आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, जिसमें परियां नाचे हैं। परी नाचे? परी। ओहो हो। हाँ जी, हूर परी नाचे। बिल्कुल भाई, फिर वो सांग तो यार हम भी देख लेंगे। आप भी देखोगे? हम भी देख ले, क्या बात है। एक बात है थानेदार साहब। क्या बात है भाई? 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए? 100 रुपए लगेंगे भाई, रेट तो बहुत ज्यादा ले रहे। चलो यार दे देंगे, कोई बात नहीं, तू हमारे को सांग दिखा भाई। सांग बाद में दिखाऊंगा, पहला 100 रुपए चाहिए जी। पहले चाहिए? पहला चाहिए। ले दो भाई। लो जी, 100 रुपए तो आ लिए जी आपके। ठीक है भाई, ये तो दे दिया हमने। हाँ जी। हाँ, ये दूसरी शर्त और है जी। बताओ भाई क्या शर्त है? वह शर्त यह है, अगर जो असल माँ बाप का बीज होगा उसको सांग दिखेगा जी इसके अंदर। जो असल माँ बाप का तुखम होगा उसको दिखेगा। उसको दिखेगा, जो नकली माँ बाप का होगा उसने नहीं दिखेगा जी। ठीक है, ये शर्त है। ये शर्त है जी। चलो भाई, कदे आप बाद में कहो। ठीक है भाई, देखा भाई। ठीक है कि नहीं? ठीक है, देखा भाई। ए आ जाओ, कोड़ा मोगला है, कोड़ा होना पड़ेगा। हाँ, यो रहा मोगला, देख यो रहा थानेदार साहब। ठीक है ठीक है, इसमें के देखन लाग जा। ठीक है। हाँ तो प्यारे सजनो, थानेदार उस मोगले में के देखन लाग जाता है। देखे जाए उसके अंदर कितके सांग थे, देख लंबे ट्रैफिक के ट्रैफिक दिखे, खेते खेत दिखे। हाँ, खेत था मोगले में, तो मोगले में तो मोगला ही था। और कई देर तक देख के थानेदार मुंह लटका के पीछे हट जाता है, तो एक सिपाही उससे यूं पूछता है कि थानेदार साहब आपने सुरख का सांग देखा? तो सजनो थानेदार घबरा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो नट है तो वो नकल माँ बाप का हो गया, और जहां हां भर ले तो मर गया, उसने कुछ दिखा नहीं। तो वो सिपाही जब पूछता है कि जी आपने सुरख का सांग दिखा, तो हां ही भर लेता है कि हां भाई दिखा। तो उसमें से सिपाही कहता है, क्या कहता है आगे सुनिए।
थानेदार जी। हाँ भाई, आपने सुरक्षा साम देखा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है यार, देखा है। आ तेरा क्या मकसद है? मैंने भी दिखा दो, मैं सांग ले गया कोई। वो दिखाने लग रहा, जाके देख ले तू भी। चलो जाओ उसके पास। अच्छा जी, आ रहा हूँ। हाँ सिपाही साहब। हाँ सिपाही जी। हाँ आओ, के बात भाई? मैंने भी सांग दिखा। आप भी सांग देखोगे? और ओजा तो कोडा भाई, हम तो उन्होंने कोडा करे है। सिपाही जी। हाँ जी। सांग तो कोडा ही होगा, देखना पड़ेगा आपने। भाई हम तो उन्होंने कोडा करे है भाई, यू तो सीधा होगा, देख क्या करे। एक बात है जी। हाँ। रुपये 50 लगेंगे। 50? हाँ। सांग दिखाने के? सांग दिखाने के। अच्छा। हाँ 70 रुपए 50 रुपए। अरे 50 भी दे देंगे तुम्हें, तू एक बार सांग तो दिखा दे। पहले 50 दे मैंने, बाद में देखूंगा सांग। 50 ले ले। हाँ ले दे। या ले दे। ए यो ले भाई, 10-10 के लोट है। ठीक। 5 संभाल लिए ना। 1 2 3 4 5 ठीक हो गया जी। लो जी देखो, यो मोगला है ना, देखो मोगला रे। आ दिखा इसमें के, देख ले। के देखूं भाई? इसमें देख, सुरक्षा सांग दिखेगा तने। अरे तेरे लिए भी भाई, पहले मेरी बात सुन ले। दूसरी शर्त, थानेदार साहब के लिए जो बात थी ना जी, भाई तेरी खतर है। अच्छा, जब तू दोगला होया ना, असल माँ बाप का नहीं हुआ तो सांग। असल माँ बाप का हूँ मैं भी। के गारंटी है भाई? गारंटी के, तू सांग दिखा दे। ठीक, यो मोगला रहा ना। हाँ इसमें देख लो। ला। हाँ तो प्यारे श्रोताओं, बताया जाता है कि सिपाही उस मोगले में के देख कर पीछे हट जाता है, उसका भी मुंह लटक जाता है, क्योंकि थानेदार से पूछने के बाद थानेदार ने यह कहा था कि मुझे सांग सुरक्षा दिखा। अब वो सोचता है मन ही मन में कि थानेदार तो असल माँ बाप का है, जो कि उसने सुरक्षा सांग देखा, और तू दोगला है, असल माँ बाप का नहीं है, जो कि तेरे को सांग नहीं दिखा। कहता नहीं है किसी को, अपने मन में रख लेता है। और दूसरा सिपाही जो होता है वो भी तैयार हो जाता है, और वो भी पंटू राम को क्या कहता है सुनिए। अरे भाई खेल वाले, ओ सांग वाले। ओह सिपाही जी, आप भी बोलो भाई, हमारे को भी दिखाइए सांग। आप भी देखोगे सांग? हाँ क्यों नहीं। 50 रुपए आपके लगेंगे जी। 50 रुपए किस बात के भाई? सांग देखने के। अच्छा हाँ दिखा दो भाई, हमारे को भी दिखा। 50 रुपए दो पहले। ले 50 रुपए। लाओ दो। ले ठीक है, 50 ही आगे। भाई सिपाही जी। हाँ तेरे लिए भी यह शर्त है, सुन ले। क्या शर्त है भाई? जय असल माँ बाप का तो तू होगा। ठीक है तो सुरंग ये सांग दिखेगा तो नहीं इसमें? ठीक है। अर्जा भाई, तू असल माँ बाप का नहीं होगा तो सांग नहीं दिखेगा भाई। नहीं नहीं बिल्कुल असल के हैं भाई हम दोम। इवे जो थानेदार था सिपाही था, इन तबूझ ले जय नहीं दिखा हो तो, क्यों ये असल माँ बाप के हैं भाई। ठीक है इन्हें दिख गया, इब तू देख ले भाई, ये यो ले मोगला। ठीक है आंख बंद करके और भींच का पाछन है। ठीक है और देखने लाग जाए मैं। ठीक है लाग रहे हैं भाई, देख बहुत बढ़िया, सही सांग दिख लाग रहा भाई। हाँ तो प्यारे सजनो, उसके साथ भी यही होता है, सिपाही के साथ में उसको भी सांग सूंग नहीं दिखता, और मुंह लटका के वो भी पीछे हट जाए। अब थानेदार क्या पूछता है सिपाहियों से सुनिए। हाँ सिपाहियों। हाँ जी। तुम्हारे को कुछ दिखा सांग वान? दिखा जी। आपने दिखा जी? हाँ हाँ हमारे को भी दिखा। हाँ ठीक है हमने भी देख लिया जी। देख लिया? हाँ जी। चले जी रोंद पे? नहीं नहीं रोंद पे, रोंद क्या होती है? गश्त पे चलना जी। नहीं नहीं अभी नहीं चलते गश्त पे, ठहरो आप मेरे साथ चलो पहले तो। चलो जी। हाँ भाई। हाँ जी सांग दिखाने वाले। हाँ जी बोलो थानेदार साहब। अपना पूरा एड्रेस दो मेरे को, लिखो। ओ रजिस्टर खोलो। ले जी रजिस्टर खोल गौरी, इसका पूरा पता ले। हाँ भाई। हाँ जी। हाँ अड्रे पिछट, कहाँ से आया, क्या नाम है, क्या काम है, जल्दी बोलिए। मेरा नाम है जी बंटू राम। तेरा नाम है बंटू राम? हाँ जी। लिखो भाई। ला जी बंटू राम। ठीक है। गांव?
गांव है जी मेरा चुगलपुर। चुगलपुर? चुगलपुर। ठीक है, गांव चुगलपुर लिखते रहो। लिख दिया जी। तहसील? बोचड़ियापुर। बोचड़ियापुर, हाँ जी। ठीक है, और जिला? घाटापुर। घाटापुर, हाँ जी। ठीक है, पूरा पता है? पूरा पता है। जाओ। ठीक है जी। हाँ भाई, क्या कह रहे थे बोलो? गश्त पे चले? मकायद थानेदार साहब, चलो गश्त पे। अरे यार, गश्त वश्त पे पीछे चलेंगे, अब तो पहले चलो थाने में ही चलते हैं। चलो जी, चलो पहले चलो पिएंगे थाने में। हाँ चलो चलो। हाँ तो प्यारे सजनो, थानेदार और दोनों सिपाही वापिस थाने के अंदर चले जाते हैं, और थाने के अंदर जाके थानेदार कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने सामने सिपाहियों को बिठा लेता है, और इतना दिमाग खराब होता है उसका कि बहुत ही ज्यादा, और सिपाहियों से पूछता है। क्या पूछता है? हाँ भाई। हाँ जी सिपाहियों। हाँ जी, यहाँ मेरे सामने बैठ गए जी। भाई एक बात बताओ। हाँ जी। तुमने जो ये सांग वांग देखा है? हाँ जी। ये जो सांग वांग दिखाने वाला था, क्या नाम था उसका? वो गंटूराम? गंटूराम, बंटूराम, बंटूराम, बंटू, बंटू। भाई वो कुछ सांग वांग तुमने दिखाई दिया? सच बताना। आपने दिखाई दिया जी? आपने दिखाई? अच्छा भाई, मेरे को तो यार, मेरी क्या पूछते हो तुम? मैंने पहले आपसे कहा, आप बताओ तुमने सांग वांग कुछ दिखाई दिया कि नहीं? थानेदार साहब, आप बताओ पहले, आपने दिखाई दिया? भाई देखो, मैं सच बताऊं भाई? हाँ जी सच बताओ जी। तुम तो भाई जो मेरे सिपाही हो, 24 घंटे मेरे पास रहते हो। बिल्कुल जी, आपके साथी। हाँ भाई, चाहे चाहे तुम मने भाई दोगलाई कहना। अच्छा भाई, मने कुछ नहीं दिखाई दिया है? कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं दिखाई दिया? नहीं नहीं थानेदार साहब। हाँ, दिखाई हमने भी नहीं दिया। हाँ जी, हमने भी नहीं दिखा है, है? हाँ जी, दिखाई हमने भी नहीं दिया। आपने भी कुछ दिखाई नहीं दिया? ना मैंने दिखाई दिया। तो ऐसा है भाई, क्या नाम था उसका? घंटूर, वो बंटू राम। हाँ जी, उस बंटू राम को तो अपना सांग दिखाया है। मेरे रजिस्टर में उसका पूरा एड्रेस है। पूरा एड्रेस है? हाँ, गांव और नाम को तो अब अपना सांग दिखाया है। अच्छा, अब उसको हम अपना सांग दिखाएंगे। हाँ, ऐसा करो भाई, एक सड़क के ऊपर बोर्ड लिख कर टांग दो। ठीक है जी। और एक गाड़ दो, एक तो टांग रहा है ऊपर, एक गाड़ दो। अच्छा जी, जो इस बंटू राम को पकड़ेगा, हाँ जी, उसको 500 रुपए और एक बीड़ी का मंडल। 500 रुपए एक बीड़ी का मंडल? बीड़ी का मंडल। ठीक सर जी, इनाम में दिया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, चलो जी। चलो, मैं खड़ा हो जाऊं जी बोर्ड दो रहे जाके? बोर्ड दो रहे? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। जो भी उसने पकड़ के लिया होगा ना, जो भी पकड़ के लिया होगा, हाँ, आप दो रहे ले आऊंगा। ठीक है, फिर उसका रिमांड तारांगे। रिमांड तारांगे। हाँ, और एक बात तो थानेदार साहब। क्या? देख, 200 रुपए ले गया अपने तय। हाँ हाँ, और सांग का बांधना है, लूट ले गया। अरे कोई नहीं, 200 भी कटवा लेंगे, और उसके दौरे डबल तबल करके कटवाएंगे, जब उसको मुंह दागेर के चाय पिलाएंगे ने, वो सारे निकाल देगा। तो थानेदार साहब, मैं वोट दौरे खड़ा हूं। ठीक है। हाँ तो प्यारे सजनो, ठगू बंटू राम अपने घरवाली के पास पहुंच जाता है और कहता है, अगले भगवान तू अड़कमा अड़कमा बताओ थी मैंने, अरे ये 200 रुपए रख ले, तू भी हलवे खा, मैं भी हलवे खाऊ, और मौज ली। और वहां जो सिपाही है थाने के अंदर, वो ये सोच लेता है कि तेरे पास एड्रेस तो है ही, थानेदार को भी मत बता और सिपाही को भी मत बता, और तू चल बंटू को पकड़ने के लिए, 200 रुपए कमाइए और उसका छित्र मारिए। और वो जाता है बंटू के घर और दरवाजा खुड़खड़ाता है, क्या होता है, उसकी घरवाली मिलती है, क्या बातें चीते होती है, सुनिए। कौन? सिपाही। बोलो क्या काम? तेरा घरवाली किधर है? वो तो जा रहा है बाहर। कि जा रहा है? वो जा रहा है फसल बोन। फसल बोन? हाँ, कमाएगा। फसल ओलेगी और वह कट लेगी, उसने बेच के जब आओगा वो। है कितने दिन में तैयार हो लेगी फसल? वो 6 महीने बाद में आएगा। है 6 महीने बाद? हाँ। 6 महीने तक खेत में पड़े रहे हो इतने? हाँ। कह रहे हो 6 महीने बाद फसल बेच के जब आओगा उसको? ऐसा कर, हाँ। पुलिस का मारा फुद्दू खींचा है, 200 रुपए उठा रहा है, उसको किसी बच्चे के हाथ बुला, फटाफट मनोहर पकड़े ले जाना है। बुला रही। हाँ हाँ, बैठो जी, मैं बुला रही हूँ, दूध पियो इतने। अच्छा ठीक है, जल्दी बुला के ले उसको। हाँ अब ले। तो सजनो, इतने में ही दूसरा जो सिपाही थाने में होता है, वो भी यूं ही सोच लेता है, 200 रुपए तू कमा के ला, और उसकी पिटाई करी है बंटू ठग की, और 200 रुपए कमा के लाइए, और वो भी जाता है, वो भी जाके गेट खुड़काता है, क्या होता है? कौन? सिपाही। हाँ बोलो। तेरा घर किस है? मेरा घरवारी खेत में जा रहा है। कदा होगा? आऊंगा बस। कितने दिन में आओगा? लग जाएंगे 4-6 महीने। 4-6 महीने? हाँ। पागल की बच्ची क्या हो, 4-6 महीने खेत में पड़े रहेगा?
हाँ खेत में रहेगा, फसल बोएगा, उगाएगा, काटेगा, रहेगा। किसे बालक का तभी बुला, फटाफट उसको पकड़ना है। क्यों जी? वो हमारे से 200 रुपए ठग लाया है सोर का सांग के बहाने। अच्छा, बुला गया उसको। हाँ तो सजनो, थानेदार भी यही सोचता है कि सिपाहियों को छोड़ और मत बता, और वो भी ठगुए घर जाता है और गेट खुड़काता है। क्या होता है? कौन? थानेदार। हाँ बोलो, क्या काम? तेरा घरबारी किधर है? मेरा घरबारी खेत में जा रहा है। खेत में जा रहा है? हाँ। उसको बुला अभी अभी। अभी अभी बुलाऊं? हाँ। क्या बात? वो पुलिस को ठग लाया है और उसका रिमांड उतारना है मैंने, जल्दी बुलाओ उसको। अच्छा जी, आप बैठो, ऐसा करो हाँ। चाय वाय पियो, जब तक बच्चे बुला के ले आते हैं। ठीक। तो प्यारे सजनों, जो पहले सिपाही आता है, जब सिपाही दूसरा आता है तो उसके होठ सूख जाते हैं अंदर ही अंदर, और वो सोचता है कि कैसे बचा जाए। अगर सिपाही को पता लग गया तो तेरा मुंह काला करके थाने में तबीली कर दिया जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और वो उससे ठगुए घरवाले से कहता है कि मन ना बचा ले आज, चाहे किमें भी कर। वो कहती है 50 रुपए लगेंगे, 50 रुपए उसको दे देता है, और वो उसके सफेदी करके पैंडी बनाकर खड़ी कर देती है, उसके ऊपर दीवा टीक देती है। दूसरे सिपाही के साथ सजनों क्या करती है कि वो भी कहता है, थानेदार का नाम सुनते ही कहता है मुझे बचा ले, उससे भी 50 रुपए लेके और अंदर ले ओबरे के अंदर चक्की होती है, उसको औरत के कपड़े पर आके और चक्की चलवाने लग जाती है। जब थानेदार आता है, थानेदार को कह जाते हैं मैं बुला के लाती हूँ जी, और आप इतना दूध पियो। तो सजनों क्या होता है कि थानेदार का दिमाग खराब हो जाता है। पहले ही वो ठग मिला था उसने, और ये लुगाई बुलाने के बाद ने बाहर से कुंदी बंद करके मकान की और पड़ोसिया के जाके सो जाए। क्या होता है आगे सुनिए। थानेदार सोच जाता है कि गांव आएगा, गांव को बुलाने गई यही से ठगनिया है, और गांव आ गया थारा रिमांड उतारेगा, गांव से कटिया दे दिया जाएगा, पुलिस की नौकरी छूट जाएगी। और तीनों के तीनों भाग जाते हैं, कान पकड़ लेते हैं कि लुगाई भी ठगन है और इसका मर्द भी ठगन है, चले जाते हैं भाग के। इतने में वापिस उसका घरबारी आता है, क्या कहता है अपनी ओर से सुनिए। अरे भगवान है। हाँ बोल। आ गया हूँ मैं। हाँ बोल। क्या पुलिस आए थे? हाँ आए थे। बना दिया पागल उनका? बना दिया। कितने कमाए? 100। 100 कमा लिए? हाँ। ओ शाबाश, या हुई ना बात। इफ तू एक काम कर भगवान। हाँ, देख पुलिस तभी निमट गए। हाँ। और पीछे के पीछे कमाए गए। हाँ। इफ तू नू कर, देख अपा तो वीर मर्दा दोनों। हाँ। तेरा मेरा मैं केसरम है ना? केसरम है तन्ना आज तक है ना, गाना क्या नहीं सुना है मेरे ते। अच्छा, और कोई मेरे लिए इस हंसी खुशी का गाना होने दे, अगर बस तू बंदड़ी रे मैं बंदड़ा। अच्छा तो ले, पर आज नहीं है सही होने दे। हाँ बस हो तुम दोनों बंदड़ा बंदड़ी रे भाई ना आएगा यूरो आ रहा। छोड़ गाना फिर। हर केड़े की ओट में हरियाला बनड़ा, हर केड़े की ओट में हरियाला बनड़ा, बैठा पढ़े किताब मेरा हरियाला बनड़ा, बैठा पढ़े किताब मेरा हरियाला बनड़ा। दिन चार तेरा हरियाला बनड़ा, शादी के दिन चार मेरा हरियाला बनड़ा, हर केड़े की ओट में हरियाला बनड़ा, बैठा पढ़ किताब मेरा हरियाला बनड़ा, बैठा पढ़ किताब मेरा हरियाला बनड़ा। किताब मेरा हरियाला।
चाचा आवे घर चलो हरियाले बनड़े है शादी के दिन चार तेरा हरियाला बनड़ा शादी के दिन चार तेरा हरियाला बनड़ा हर केड़े की ओट में हरियाला बनड़ा हर केड़े की ओट में हरियाला बनड़ा बैठा पड़े के ता तेरा हरियाला बनड़ा बैठा पड़े के ता तेरा हरियाला बनड़ा मामा आया घर चलो रे हरियाले बनड़े है शादी के दिन चार मेरा हरियाला बनड़ा शादी के दिन चार मेरा हरियाला बनड़ा हर केड़े की ओट में हरियाला बनड़ा हर केड़े की ओट में हरियाला बनड़ा बैठा पटक मेरा हरियाला बनड़ा बैठा सुरग देख लो सांग देख लो ठीक अरे सुरग देख लो सांग देख लो सारे मिलके आ छोरी तो ना चंगी छोरे देख सारे मिलके आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ अरे सांग अरे हाँ क्या कह रही है सब सांग दिखा है सांग हाँ सांग ही सांग दिखा देंगे जी सांग दे दूंगा तने अच्छा कितने पीछे ले होगा पीछे हाँ जो तरजी माँ वो दे दिए अच्छा और सांग देख वो तो जरूर देखेंगे भाई वो भाई सांग दिखाइए हाँ भाई भाई ताऊ तभी दिखाइए सांग यू भी थर साबुन ले बैठा जाए बहुत अच्छे और भाई गांव वाले हाँ भाई एक बात और सुन ले के भाई इस सांग में हाँ तूने धर्मेंद्र अरे मामा नहीं तेरी मिलवाऊंगा ओ छोरे और मैं सुरग में परी ना चाहती हाँ मैं भी मिलवाऊंगा तेरे ठीक मिलवा दे भाई अब सारा हिंदुस्तान घुमा दूंगा मेहरबानी है भाई बहुत अच्छे मेरे रे सांग में भाइयो धर्मेंद्र आवेगा मेरे रे सांग में भाइयो धर्मेंद्र आवेगा हेमा मालिनी की गेला गाना वो गावेगा गाना गावे नाच दिखावे अरे गाना गावे नाच दिखावे मटकू के सांग में आ छोरी तो नाचेंगी छोरे गावेंगे आ छोरी तो नाचेंगी छोरे गावेंगे आ स्वर्ग देख लो सांग देख लो अरे स्वर्ग देख लो सांग देख लो सारे मिलके आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ Thank you.
मान लिया धर्मेंद्र। अच्छा आया अरीब श्रीदेव भी है जितेंद्र ना, और देख रहे वो भी आओगे। और क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। राजा साया श्रीदेवी भी भाइयो नखरे दिखावेगी, श्रीदेवी भी भाइयो नखरे दिखावेगी, नखरे दिखा के जितेंद्र न पटावेगी, नखरे दिखावे उस न पटावे, अरे नखरे दिखावे उस न पटावे, ताऊ के उठ की खा छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे हाँ, छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे हाँ, ए सुरख देख लो सांग देख लो, अरे सुरख देख लो सांग देख लो, सारे मिलके आ छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ, छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आ। अरे भाइयों तुमने दिल्ली और बम्बई दिखा दूं, दिल्ली और बम्बई देख दिखा दे भाई, हमने तो कदे गुगाईड़ी भी नहीं देखी मेरे यार। दिल्ली बंबई ने देखो लखनऊ कलकत्ता देखो, दिल्ली बंबई ने देखो लखनऊ कलकत्ता देखो, शाहजहां का आगरा ताज महल ने देखो, हिंदुस्तान ने सारा देखो, अरे हिंदुस्तान ने सारा देखो, सांग में मेरे आर तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे आर, छोरी तो नाचेंगी छोरे देखेंगे आर, अरे स्वर्ग देख लो सांग देख लो, अरे स्वर्ग देख लो सांग देख लो, सारे मिलके आर छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे आर, छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे आर, में गे आर वाह, छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे आ, अरे स्वर्ग देख लो सांग देख लो, अरे स्वर्ग देख लो सांग देख लो, सारे मिलके आ छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे आ, छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे आ, छोरी तो नाचेंगी छोरे गाँव में गे आ।